नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हम इसमें उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज क्विज लेकर आ रहे हैं। इसमें हम उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी कवर करेंगे। इसमें ये सीरीज का 7th वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में, या ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1972 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? ऑपरेशन ग्रीन, ऑप्शन दिए गए हैं ए 1 जुलाई 2001 में, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2005 में, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2001, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2005 को ऑपरेशन ग्रीन्स लागू हुआ था। ऑपरेशन ग्रीन। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बरेली, बी सहारनपुर, सी मिर्जापुर और डी मुरादाबाद। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र तो यह है बरेली में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह है? ऑप्शन दिए गए हैं ए इलाहाबाद, बी बरेली, सी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है? कृत्रिम रबड़ का कारखाना, ऑप्शन दिए गए हैं ए कानपुर में, बी गाजियाबाद, सी लखनऊ और डी नोएडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? ऑप्शन दिए गए हैं ए धमार, बी कव्वाली, सी टप्पा और डी बिरहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिरहा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? ए ऑप्शन दिया गया है 1992 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1994 में, या ऑप्शन डी 1955 में। तो किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी? ऑप्शन डी 1955 में। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं ए 1991 में, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1996 में, और ऑप्शन डी 1999 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1994 में। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है? ऑप्शन दिए गए हैं ए आलू, बी दलहन, सी गन्ना और डी गेहूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? ऑप्शन दिए गए हैं ए मथुरा में, बी अलीगढ़ में, सी नरोरा में और डी सिंगरौली में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नरोरा में, परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं ए बांदा में, बी हमीरपुर, सी सोनभद्र और डी ललितपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ललितपुर। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं ए अमेठी में, बी रायबरेली में, सी जगदीशपुर में और डी जायस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जायस में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी जायस में। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए निचली गंगा नहर, ऑप्शन बी केन नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर और ऑप्शन डी घाघरा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर पहुँच रहे हैं, सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं ए आगरा में, बी वाराणसी में, सी कानपुर में और डी लखनऊ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं ए 5, बी 7, सी 11 और डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9।
तो ये थे उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, इसमें हम डेली करंट अफेयर्स की भी वीडियो लेकर आते हैं मॉर्निंग में, और हम हरियाणा जी के, यूपी जी के, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं हम लेकर आते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।